वन और वन से फोर पे मैंने इतना जोर लगाया पढ़ने के लिए और वो आ ही नहीं रही। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज योर बेतो शर्मा। तो बस फिर से इतनी तेज इंटर, कोई नहीं, स्टाइल है अपना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एग्जाम्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि लाइफस्टाइल ब्लॉगर हूँ भाई, ठीक है, जो रेगुलर चल रहा होता है हम उसके बारे में बात करते हैं, और कुछ अगर ज़रूरी चल रहा होता है तो हम उस पर ज़्यादा टाइम देते हैं, इस पर थोड़ा, मतलब अब एग्जाम्स, मतलब एग्जाम्स हो गए हैं खत्म, ठीक है, अभी मैं उन पर थोड़ा टाइम दे रहा था, मतलब खत्म नहीं, आज एक लास्ट है, मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे एग्जाम्स कैसे हो रहे हैं और हम कैसे दे रहे हैं कोविड की सिचुएशन में, और जनरली कैसे होते हैं कोविड की सिचुएशन में, कैसे हो रहे हैं सब कुछ बताएंगे। मौसम देखो, यहाँ गंदे बादल, मतलब काले बादल, और यहाँ बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ। क्या भाई, और अभी दिन में इतनी भयंकर गर्मी हो रही थी ना, इतनी तेज धूप थी, और अब सारा बारिश वाला सीन हो रहा है आधे तरफ और नॉर्मल हो रहा है आधे तरफ। ये बादल भी इधर छोड़ो। और हाँ बॉयज एंड गर्ल्स, एक चीज़ बता दूँ, मैं फिर नहीं नहाया हूँ आज, ठीक है, ये बात इररिलेवेंट होती है पर मैं ऑलमोस्ट हर ब्लॉग में बोलता हूँ, पर हो क्या रहा है कि एग्ज़ाम है आज, ठीक है, और दो तीन दिन से ठंड काफ़ी है और पेपर भी चल रहे हैं, तो इसलिए वीडियो भी नहीं आई थी पूरे हफ्ते, ना मैं दो दिन से नहाया हूँ, और दाढ़ी बाल मेरे को कटवाने हैं क्योंकि हाल अजीब है जनाब का। तो यहाँ बैठ के पढ़ाई हो रही है, ये पढ़ाई कहाँ गई, ये, अरे ये नहीं, ये मतलब यहाँ पढ़ रहा था मैं, ये इधर ये पढ़ रहा था, और पढ़ते हैं फिर बताता हूँ सिस्टम, क्योंकि पेपर है ना आज, टेंशन देख रहे हो, है ही नहीं शक्ल में। अब आपको लग रहा होगा मेरे को सब आता है, पर भाई वो भी आपकी गलत थिंकिंग है, अभी पढ़ने बैठा हूँ। पढ़ाई करने से पहले थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, क्योंकि खाली पेट तो और दिमाग खराब होगा और कुछ समझ में भी नहीं आएगा। चलो अब काम की बात पर आते हैं, ये है गूगल, गूगल पर जाते हैं और खोलते हैं अपना यूनिवर्सिटी पोर्टल, लॉगिन करो और कुछ ऐसा पेज खुलेगा आपके पास। अब ये पेज खुल गया, ध्यान से देखो, इकोनॉमिक एनालिसिस, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस एंड कंपनी लॉ और प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस, सारे खतरनाक सब्जेक्ट है लड़के के पास। अब अगर आप लोग साइड में देखते हो तो ये स्टूडेंट सर्वे फॉर्म है जो मैंने आज तक नहीं भरा, उसके बाद ये स्टूडियो सिटी, ये सब है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसका मतलब आज तक मेरे को कोई मतलब नहीं आया, काम नहीं आया। अब अगर आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा नज़ारा दिखेगा जिसके अंदर लिखा है कि इको मूव हो गया ऑनलाइन, ठीक है, इसके बाद ये कुछ अनाउंसमेंट होती रहती है यहाँ पर, किसी भी बच्चे को कोई डाउट होता है, टीचर्स को कोई अनाउंसमेंट करनी होती है, वो यहाँ पर होती है। अब उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि एग्जाम पीरियड असेसमेंट, जूम सेशंस, जो जूम क्लासेस होती हैं हमारी, जूम होती हैं ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, ठीक है, उसके बाद जो भी सारे वीक्स हैं वो चलते रहते हैं, 13 वीक्स होते हैं तो 13 वीक्स की क्लासेस हैं, जैसे हर वीक्स लेक्चर होते हैं या फिर ट्यूटोरियल्स होते हैं, उनकी वर्कशीट होती है और उनके आंसर्स होते हैं, आंसर्स जो होते हैं वो बाद में आते हैं, तभी दे देंगे तो वर्कशीट का फायदा नहीं ना कोई। अब मैं आपको दिखाता हूँ इको का एग्जाम कैसे हुआ था, अरे अरे कहाँ गया, तो ये रहा एग्जाम पीरियड असेसमेंट, इस पे किया क्लिक, अब ये खुला कि भाई इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो सेक्शन है रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ये सब जो बकवास लिखी हुई है, फिर फिट टू सिट इन्फॉर्मेशन होती है कि फिट टू सिट मॉडल करना होता है, उसके अंदर बैठना होता है और पेपर देना होता है, ठीक है, खुद की जिम्मेदारी खुद होती है, और ये सब लिखा होगा इसमें जो बकवास लिखी है, गूगल क्रोम यूज करो, बैटरी फुल चार्ज रखो, वाईफाई तगड़ा सा रखो, और फिर उसके अंदर एग्जाम की इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद ये हो चुका है तो ये बैकअप के आंसर्स करने थे, मतलब ये छोड़ो दूसरे सब्जेक्ट का दिखाता हूँ, पहले दूसरी क्लास छोड़ो, पहले ये देखो, ये है एको, एको में होती है सारी क्लास की रिकॉर्डिंग्स, कोई भी खोलो और पढ़ने लग जाओ अगर मूड है तो। अब अगर ऊपर लेफ्ट साइड में देखें तो आएगा पार्टिसिपेंट्स, ये जितने बच्चे क्लास में वो है इस सब्जेक्ट के, फिर आएगा बैचेस, ये मेरे को पता नहीं क्या होता है, उसके बाद आएगा कॉम्पिटेंसी, ये भी मेरे को नहीं पता क्या होता है, और इसके बाद है ग्रेड्स जो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि लड़के के हैं बहुत बुरे ग्रेड्स। अब हम खोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, फिर इसके अंदर आ गए वही सारी बकचोदी, वो हर जगह होगी, ठीक है, और ये एग्जाम के हिसाब से सिलेबस लिखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर ये सब सिलेबस है बेकार बच्चों वाला, ठीक है, तो दे दिया आपने, ये तो मस्त पेपर हुआ है, फिर हम इसको रीअटेम्प्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर लिखा हुआ रिटर्न टू यूनिट, अगर क्विज शुरू होता, मतलब अगर टेस्ट ऑन होता तो यहाँ पर आता कि अटेम्प्ट क्विज, और यहाँ पर
पेपर या एग्जाम नहीं लिखते, क्विज लिखते हैं, पता नहीं क्या है भाई। और जैसे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट की ये पॉलिसीज थी कि एग्जाम जो एग्जाम डे था वो 12 जून को था 3 से 9 के बीच में, और जो पेपर था वो 2 घंटे 15 मिनट का, मतलब 3 से 9 के बीच में आप 2 घंटे का पेपर कभी भी दे सकते हो, मतलब 2.25 घंटे का। उसके अंदर ये सिलेबस है, वही कैलकुलेटर या फिर एक्सेल यूज़ कर सकते हो, और ओपन बुक है तो जितने रिसोर्सेज हैं आप वो यूज़ कर सकते हो, अपना पूरा गूदा लगा सकते हो आंसर ढूंढने के लिए, पर कहीं से कॉपी नहीं कर सकते और प्लेजरिज्म नहीं ला सकते। और वो होता क्या है वो भी बताता हूँ मैं, इस ये सब हो जाए उसके बाद। अब हम बात करते हैं उस एग्जाम की जिसका पेपर था बिजनेस एंड कंपनी लॉ, वो खोला, उसके अंदर भी सेम चीज़ थी, सारी इन्फॉर्मेशन सेम थी। जो एग्जाम की पॉलिसी थी वो थी, मतलब एग्जाम की इन्फॉर्मेशन थी वो थी कि 3 से 9 बजे का, 9 बजे तक का पेपर है, उसके अंदर 2 सवा 2 घंटे की विंडो है, उसके अंदर वर्ड्स होने चाहिए 2000 वर्ड्स का, पूरा एग्जाम होना चाहिए, पूरा थियोरेटिकल एग्जाम था, कोई न्यूमेरिकल नहीं था, कोई कुछ नहीं था। फिर उसके बाद ये लिखा था कि टू सक्सीड ये सब होना चाहिए भाई, अपने आंसर लेने में तो नहीं तगड़े से लॉज वगैरह के हिसाब से, ठीक है, जो मेरे को एक भी नहीं पता था, और यही सब नॉर्मल थी, ये मैंने नहीं पढ़ी, नीचे आया फिर मैं। फिर मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि वीक 7 से लेके वीक 13 तक का आ रहा था सिलेबस में, और मैं लेक्चर 1 पे जोर दे रहा था तब से, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो ये देख के तो दिल घबरा गया कि एमसीक्यू नहीं है, शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं भाई साहब। तो बस यही ऑलमोस्ट इसकी भी सेम पॉलिसीज है, और ये एग्जाम पीरियड, इसको खोलो, अब ये नीचे आएगा अटेम्प्ट क्विज नाउ, ये क्विज तो नहीं है पर फटने वाली है, अब चलो करके मिलता हूँ एग्जाम। अब मैं मिलता हूँ आपको एग्जाम के बाद। डर लग रहा है यार। कोई नहीं, हम स्ट्रांग हैं। तो अब हम बात करते हैं प्लेजरिज्म की। प्लेजरिज्म होता क्या है कि प्लेजरिज्म का इंग्लिश लाइन में मीनिंग होता है कि प्लेजरिज्म इज कॉपिंग सम अदर्स कंटेंट या फिर इंफॉर्मेशन विदाउट इवन एक्नॉलेजिंग देम, ठीक है। और हिंदी में बताऊँ मतलब मिक्सी कर दिया मैंने, तो प्लेजरिज्म यहाँ नहीं करना चाहिए, मतलब आपको किसी का कॉपी नहीं करना चाहिए, और आपको बिल्कुल सेम लैंग्वेज कहीं से उठा के नहीं लिखनी, ना नेट से ना गूगल से, मतलब वो तो एक ही बात हो गई, कहीं से भी कॉपी नहीं करना, अपने वर्ड्स में बना के लिखना है। अगर आप कहीं से रेफरेंस भी ले रहे हो तो उसकी रेफरेंस डालनी है, पर एग्जाम्स में होता है कि अपनी वर्ड में सारा कुछ अपना ही होता है, ठीक है। रेफरेंसेस वगैरह अगर आप कहीं से लाइन उठा रहे हो तो उसको कोट करना होता है, यहाँ पर ऐसा सीन होता है। और अगर आप नहीं करते और अगर आप पकड़े जाते हो, ठीक है, असाइनमेंट्स में तो यूजली 5-6% होती है, कभी कभी 10% तक चली जाती है सिमिलैरिटी, उसके ऊपर अगर आपके एग्जाम सिमिलर है तो भाई केस बनता है, हेयरिंग होती है, ठीक है, बहुत तगड़ा। और कभी कभी डिपोर्ट भी हो जाते हैं बच्चे, और वैलिड रीज़न होना चाहिए कि आपने क्यों कॉपी किया है, और गलती से किया तो भाई गए, तो ना ही करो ऑस्ट्रेलिया आके या कोई भी कंट्री जहाँ पे प्लेजरिज्म का सीन बनता है। इंडिया में तो भाई हम छाप देते हैं, किसी का भी प्रोजेक्ट उठा के छाप दिए, पर यहाँ ऐसा नहीं चलता। एग्ज़ाम देता हूँ, डर लग रहा है, विश मी लक। तो भाई अगला दिन है, ठीक है, एग्ज़ाम वगैरह हुआ, अपन ने बोतल वगैरह खोली, नहीं पीते नहीं है भाई हम लोग, ठीक है। हुआ क्या कि एग्ज़ाम की जो विंडो थी वो 3 से 9 बजे के बीच में देना था कभी भी, मैंने शुरू कर दिया 5 बजे, मैं कहा जल्दी फ्री हो जाऊँगा, टेंशन हटेगी। फिर मैं देने बैठा तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को कुछ भी नहीं आता, लाइक लिटरली, पर ओपन बुक था तो थोड़ा बहुत अपन ने कर लिया इधर उधर से। और आप लोगों को सिस्टम मैंने बता दिया है अभी कोरोना के टाइम पे, ये सिस्टम सिचुएशन कोरोना की, धूप रुको, कोरोना का टाइम है उस करके अभी क्या हो रहा है कि सारे पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऑलमोस्ट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक आदमी नहीं हो रही होगी तो फिर कोई कमेंट कर देगा हमारे में तो नहीं हो रही, हम तो जाके दे के आए हैं भाई, अपन ऑलमोस्ट बोल रहे हैं ताकि अपन अपनी जगह ठीक रहें, ठीक है। काफ़ी मतलब मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में सब ऑनलाइन हुआ है और मेरे सारे एग्जाम्स ऑनलाइन हुए, मैंने आपको ये सारा सिस्टम दिखा दिया कोविड के टाइम पे। बाकी नॉर्मली अपनी कंट्रीज जैसे ही होता है, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जहाँ पे जैसे यूनिवर्सिटी में बच्चे जाके पेपर देते हैं वैसे ही होता है नॉर्मली, पर इस साल हम बच गए हैं। जो इस साल हमने पेपर दिए हैं वो ऑनलाइन दिए, और अपनी थोड़ी हेल्प हो गई, ओपन बुक था और अपन ने थोड़ा यूट्यूब पे ज़्यादा जोर दे दिया था, पढ़ाई वगैरह थोड़ी हमने इस बार, मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपको पता है कैसे पढ़ाई होती है, ठीक है, वैसे ही अपन ने करी, अपन कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है और टॉपर भी नहीं है। हाँ, ये दो तरीके के एग्ज़ाम्स होते हैं, दो तरीके से एग्ज़ाम्स होते हैं, एक तरीका दिखा दिया, एक जब होगा अगले सेमेस्टर में तो वो दिखाएंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो इतनी से अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कुछ अच्छी लगी बहुत अच्छी लगी सब्सक्राइब कर देना, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक लड़का भाई पूछ रहा था, मतलब एक दो बोल रहे थे कि मैं आपके जैसे आउटरो कॉपी कर सकता हूँ, भाई कुछ भी जो तुमको मन करे कॉपी करो, कोई टेंशन नहीं है, स्टार्टिंग में सब कॉपी करते हैं, मैं भी कॉपी करके उठाऊँ और अपना स्टाइल धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। तो लव फ्रॉम सिडनी, बॉय फ्रॉम इंडिया, पीस आउट, बाय, टेक केयर। हाँ बस रेगुलर वीडियोज़, और हाँ अपन फुल टाइम हो गए हैं, फुल टाइम वर्क राइट्स आ गए अपने पे, काम करेंगे फुल लग के। और ये क्या सिस्टम होता है अगली वीडियो में बताएंगे। बाय, पीस, लव यू, टेल अ बिट पीस, लव इज लव। दाढ़ी बालों की बुरी हालत हो गई है भाई, ये तो मैं नहाया नहीं इस करके टोपी पहनी हुई है, पर दाढ़ी देखो तो
काम थोड़ा ठीक करवाएंगे, एक बार पेपर हो जाए। और बादल कितने सेक्सी लग रहे हैं भाई, ये कितना सेक्सी लग रहा है ये देखो। टाइम लैप्स देखो और फिर ख़त्म है वीडियो, कुछ है नहीं खास, बहुत हो गया आज की बकवास। नेक्स्ट वीडियो में बाय। When the cut, hey, you want us to run when I tell a bit peace. Love is